क्योंकि दृष्टि एक बहुत ही नया कैरेक्टर मिला है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हमने देख चुके हैं आपके, ये थोड़ा अलग है कैरेक्टर, जिससे जब मैंने पहले शूट किया उससे काफ़ी अलग है. ये दिखती कुछ है और होता कुछ और है. लाइक शी लुक्स लाइक दिस पॉइस, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग, बट वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड. बट जब रियलिटी आती है तो आपको पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा सबमिसिव है. एंड कैसी इसकी जर्नी रहती है, जब भी अपनी दोस्त को मिलती है बहुत सालों बाद, तो क्या होता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एक रिलेशनशिप्स में, थोड़े साल जब शादी के चले जाते हैं उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं इन रिलेशनशिप, वो आपको देखने मिलेगा. आई थिंक अभी तो हार्डली हम लोग गोवा में थे 7 दिन के लिए, तो ऑफकोर्स हमने शूट किया था तो काफ़ी मज़ा आई हम लोगों को. आपका हेड उनको कैमरा को कवर करो. आई थिंक इट वॉज ग्रेट, इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर ऑल गेटिंग अलॉन्ग रियली रियली वेल, एंड सब बहुत नॉर्मल है, बहुत ग्राउंडेड है, किसी का बहुत इशूज़ नहीं है. सो आई थिंक वी आर ऑल शूटिंग लाइक फ्रेंड्स एंड बडीज, एंड इट्स नाइस टू हैव अ क्रू विथ द सेम काइंड ऑफ माइंड सेट. मैंने आपको वही तो बताया अभी मेरे कैरेक्टर के बारे में. ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, आपने सही बोला, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट आई थिंक अ लॉट इज़ इन द डायरेक्टर्स हैंड. बिकॉज क्या होता है दैट इनिशियली एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको करेक्ट करता है, कैसे आप डिफरेंट प्ले कर सकते हो, कैसे आप ये लाइन अलग से बोल सकते हो ताकि आप मधुबाला या गीत या गायत्री या नैना ना दिखो. तो बस एक डायरेक्टर की यही कोशिश होती है दैट ही ट्राइज टू डू समथिंग न्यू, एंड आई टोटली जस्ट फॉलो व्हाट ही आस्क मी टू डू, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. एंड ऑफ कोर्स आपके लुक्स, आपके कपड़े, दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज जब आप टीवी पे किसी को देखते हैं तो आप एक ही लुक में उनको ऑलमोस्ट 2 साल के लिए देखते हैं. सो टू चेंज एंड डू समथिंग न्यू इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन टीवी, बिकॉज आप कितने लुक्स करेंगे एवरीडे बेसिस पे, एंड देन इट बिकम्स लाइक अ एवरीडे थिंग. सो यू कैन बी स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन गेटिंग रेडी, बिकॉज इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है. सो ऑफकोर्स वी ट्राई टू डू मिनिमिस्टिकली, मिनिमम टाइम में हम कितना नया और कितना अलग दिख सके. सो ऑफकोर्स इट्स अगेन नॉट रिवीलिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई थिंक आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू वॉच इट टू बिलीव वॉट इट इज़. एंड ऑफकोर्स मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे हेजिटेशन ये था दैट देर आर सो मेनी पीपल ऑन द सेम शो, सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कैसे होगा, हाउ विल दे जस्टिफाई एवरी कैरेक्टर. बट आई थिंक द वे इट इज़ बींग सेट इन द वे दे आर पुटिंग इट अक्रॉस, आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई मीन कोई ना नहीं बोल पाता. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस, आई जस्ट सेड अगर शो की बात किया जाए तो ये शो में ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो आपने आई थिंक फर्स्टली मेरा लुक काफ़ी अलग है, तो आई थिंक आप जब वही लुक में काम करते हैं तो आपको कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है. एंड जिस तरह से आप दिखते हो इमीडिएटली आपका एक्टिंग भी थोड़ा अलग हो जाता है, बिकॉज सो द कॉन्ट्रास्ट इन दिस शो इज़ दैट आई एम ड्रेस्ड इन अ सर्टन मैनर बट आई एम इन पर्सन अ वेरी डिफरेंट पर्सन. एज नंदिनी इज़ वेरी, जैसे मैंने बताया, बहुत शांत, बहुत कमज़ोर नहीं कह सकते, बहुत सहमी, whereas she doesn't dress up like that, so that is the difference. So fans काफी समय बाद आपको TV पे नजर आएंगे, like आप क्या कहना चाहोगे? I think इनका प्यार ही है जो आज तक, सॉरी, इनका प्यार ही है जिसकी वजह से आज तक मैं वापस कमबैक्स करती ही आ रही हूँ. एंड थैंक यू सो मच. ये शो के लिए ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड थी, लेकिन जब मैंने पोस्ट डाले या कलर्स ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले एंड जो रिस्पांस मुझे देखने मिला आप सबसे, आई थिंक उसकी वजह से मैं और एक्साइटेड हुई हूँ. एंड आई रियली कांट वेट टू सी योर रिएक्शन वंस नंदिनी कम्स ऑन एयर. थैंक यू सो मच. ये कम बैक कर रहा हूँ, या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एक्चुअली मैं बहुत ज़माने से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहा था टेलीविज़न पर, लेकिन मुझे कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा था. फाइनली मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनने को मिली जिससे सुनते ही आई वॉज सो किक्ड अबाउट इट, एंड मुझे लगा कि ये शो है जो मुझे करना है. एंड देन गजरा कोटारी जी, हु इज़ द राइटर ऑफ द शो, शी
told me to give a look test for it. Aur phir I gave my best shot because I wanted the show very badly. Because I loved the show, not because I just wanted to do the show. So, phir I came on board. Aur kirdar ke bare mein agar main kahun, to I'm playing a doctor in the show. He's a child specialist. To be more precise, he's a pediatrician. Aur uski jo wife hai, wo gynecologist hai. So we both are doctors. Kunal Molly se bahut zyada pyar karta hai. He is very romantic at heart. Thoda sa laid back type ka hai. Kuch kuch cheezon mein you know aaram se karna hai, ha chalna kar lenge types. Lekin uski jo biwi hai usko wo hamesha motivate karti hai. Hamesha chahti hai ki wo go getter type ka insaan bane. To har cheez mein push support karti hai. So kind of Molly is a backbone for her. And aur kya और पूछो कुछ यार मुझे लगा बोल रहे हो ओके अगर किरदार जिस तरीके से हमने किरदार के बारे में बताया तो मतलब डॉक्टर पे लेकर कभी क्या क्या तैयारी करी हमने इस डॉक्टर को पे लेकर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की मैं डॉक्टर्स के खानदान से मैं हूँ मेरी मॉम डॉक्टर है शी इज अ पैथोलॉजिस्ट माई सिस्टर इज होम्योपैथ माई मदर सिस्टर इज अ फार्मासिस्ट सो वी हैव अ होल बंच ऑफ डॉक्टर्स इन द फैमिली माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ मैंने कहा मैं डॉक्टर तो नहीं मैं एक्टर बन सकता हूँ लास्ट का टर्क हूँ मैंने बस सो यस बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सब बहुत ग्राउंडेड है और किसी में ईगो हैसल्स नहीं है मोस्टली लोगों में स्टारिज्म टैंट्रम्स वगैरह होते हैं ये इतने पॉपुलर एक्टर्स हैं इतने सीनियर एक्टर्स हैं सारे दृष्टि हैज़ डन सो मेनी शोज अभिनव हैज़ डन सो मेनी शोज अदिति हैज़ डन सो मेनी फिल्म्स पंजाबी हिंदी एंड एवरीवन सो दे आर वेरी गुड एक्टर्स सो आई थिंक इट्स अ गुड कास्ट गुड स्टार कास्ट अच्छे एक्टर्स ऑल पैशनेट पीपल द production house is very passionate the creative team is so passionate about the show so I think all passion will come together and will shine out like a lotus हाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत चूजी हूँ मुझे पता नहीं था मैंने मेरी आशिकी किया उसके बाद आई वॉन्टेड टू डू सम अदर शो बट मुझे मेरी आशिकी के बाद झलक करना था थैंकफुली मुझे झलक मिल गया मैंने कर लिया उसके बाद I wanted to do some show, मैं कुछ साइन अप करने भी वाला था लेकिन वो materialize नहीं हुआ Then I got the opportunity to go to Indonesia. So वहाँ पर मैंने फिल्म की वहाँ पर वहीं के लैंग्वेज में वहाँ पर मैंने रियलिटी शोज़ किए सो फॉर 8 months आई वॉज देयर सो आफ्टर दैट आई थॉट आई शुड बी बैक टू इंडिया एंड कम बैक ऑन द स्क्रीन एंड आई वेटेड हियर फॉर 4 months टू गेट सम सब्सटैंशियल रोल एंड देन फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये शो देखिए आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है रिलेशनशिप्स के ऊपर है आज के जैसे तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं और कैसे रिलेशनशिप को वर्क को हर एक चीज़ को मैनेज करना चाहिए वील टीच यू दैट इन द शो एंड इट्स एन अमेजिंग स्टार कास्ट सो प्लीज़ वॉच इट ओनली ऑन कलर्स मंडे टू फ्राइडे 10 PM लव यू गाइस थैंक यू